हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं राग भैरव का नगमा यानी लहरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत सा राग है राग भैरव, और ये नगमा भी बहुत खूबसूरत सा है, ठीक है। और ये नगमा जो है ये रूपक ताल में है, रूपक ताल 7 मात्रा की होती है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखें और खूब मन लगाकर अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप की उंगलियां हारमोनियम पे बहुत अच्छी सेट हो सकें और आप बहुत अच्छा हारमोनियम बजा सकें। मैं हर वीडियो में बोलता हूं और इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि जितने भी मैं नगमा डालता हूं आप उन्हें ज़रूर बजाएं। इनसे आपको बहुत रागों का नॉलेज हो जाएगा। इसमें आरोह अवरोह जो शुरू में मैं बताता हूँ उसका आप खूब मन लगाकर प्रैक्टिस करें और उसके बाद नगमा खूब बजाएं, तो आपको बहुत सारे रागों का नॉलेज भी हो जाएगा, हारमोनियम का ट्यून सेंस बढ़ेगा और हारमोनियम पे उंगलियां भी सेट होंगी। बहुत सारी जानकारी आपको इससे मिलेगी और बहुत सारा हुनर बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इन सबको ज़रूर बजाएं, और अगर कोई भी आपके मन में शंका रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और मुझे बताएं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस नगमा को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो सीधा आपके पास पहुंचे और आपसे देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। बहुत सारे रागों के वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे नगमा पड़े हुए हैं, बहुत सारे गानों के नोटेशन पड़े हैं और अभी बहुत सारे वीडियो डाले जाएंगे ताकि उन सबका आप ज्ञान हासिल कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं राग भैरव नगमा रूपक ताल। सबसे पहले राग भैरव का आरोह अवरोह और उसके बाद नगमा के बोल, और नगमा के जो सरगम है वो मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा ताकि आप उसे देखकर अच्छे से बजा सकें। राग भैरव का आरोह अवरोह हुआ। सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग नि सा। तो इस आरोह अवरोह का पहले आप खूब प्रैक्टिस करें। जितना आप आरोह अवरोह का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका राग मजबूत होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं नगमा के बोल क्या है। पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। ध ध प म प ग म रे रे सा नी सा ग मा। ताल रूपक जो है वो 7 मात्रा की होती है, ठीक है, और इसमें 7 और 7 डबल है तो 7 × 2 = 14, 14 मात्रा का ये नगमा है, ठीक है। फिर से देखें एक बार। ध ध प म प ग म रे रे सा नी सा ग मा, ठीक है। अब आइए इसे लय में देखते हैं। ध ध प म प ग म रे रे सा नी सा ग म। ध ध प म प ग म रे रे सा नी सा ग म। ध ध इस प्रकार से आप इसी लय में इसको बजाएं, और आप चाहें तो धीरे धीरे इसमें
स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू बजाएंगे तो किस प्रकार आएगा? ठीक है, बीपीएम का स्पीड रखें 60, 60 जो बीपीएम होता है 60 स्पीड रखें। और इसमें जब आप प्रैक्टिस करें शुरू में, हम अगर किसी ताल वाले के साथ में जब इसका प्रैक्टिस करते हैं तो बीपीएम एक निर्धारित होता है 60, उसमें आप बजाएं, नहीं तो जब हम इसका शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार? और एक चीज आप ध्यान दें, मैंने जितने भी नगमा डाले हैं आप देखें उनमें कि हर एक नगमा एक नए राग में है। ठीक है, और आप उन सब का प्रैक्टिस जब करते हैं तो हर राग के नोट्स अलग हैं, और जब हम हर राग को हारमोनियम पे बजाते हैं तो हारमोनियम का बहुत अच्छा ट्यून सेंस हमारे दिमाग में बसता है, और धीरे धीरे हमें हर रीड का नॉलेज हो जाता है, और फिर हम अगर हारमोनियम पे कोई गाना भी निकालते हैं तो वो सब स्वर हमारे दिमाग में पहले से मौजूद होते हैं और तब हम उनको समझ कर अच्छे से गाना भी बजा लेते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है।